इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नई संसद भवन के परिसर में ओम बिरला पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। नंबर्स के लिहाज से आप अभी से ये मान सकते हैं कि वो विजयी होंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकताएं हैं, वो आज इस नई सदन में आप होते हुए देखेंगे। और एक बात और आप तय मानकर चलिए कि ये एक परीक्षा है। परीक्षा इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो टेन्योर है, थर्ड टेन्योर, ये 18वीं लोकसभा और पहले ही चरण में, पहले ही कदम पर एक चुनौती इंडिया अलायंस की ओर से दे दी गई। उन्होंने भी अपने स्पीकर पद के लिए एक नाम मैदान में उतार दिया, के सुरेश। अब के सुरेश के पक्ष में क्या पूरे 233 इंडिया अलायंस के सांसद वोट कर पाएंगे और क्या 233 मेजॉरिटी है? नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि एक परसेप्शन की लड़ाई है और इसे राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में बहुत सारी अड़चने इस लिहाज से है कि एक तरफ टीएमसी पहले नाराज हो गई कि उनसे चर्चा नहीं की गई। हालांकि अब टीएमसी का स्टैंड क्लियर हो गया है, वो ये कह रहे हैं कि हम के सुरेश के पक्ष में वोट करेंगे।